पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण और मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने मुरादाबाद में परेड की सलामी ली। रिजर्व पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने तिरंगा फहराया। इस दौरान पूरी फिजा देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। तिरंगे के रंग में रंगी पुलिस जिप्सी में जितिन प्रसाद ने सलामी ली। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुरादाबाद में सभी सरकारी दफ्तरों पर ध्वजारोहण किया गया। इससे पहले सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में भी प्रार्थना सभा की गई। जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली गई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कमिश्नरी पर तिरंगा फहराया तो जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। जनपद के प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारा देश लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोग तरक्की के साझेदार बन रहे हैं और गवाह भी हैं। हम सभी को चाहे जिस क्षेत्र में हो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यहां मुरादाबाद में पुलिस लाइन में समारोह में उपस्थित यहां के हमारे विधायक श्री हितेश गुप्ता जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, सांसद एसटी हसन जी, विधान परिषद सदस्य सतपाल सिंह सैनी जी, दूसरे विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यास जी, विधान परिषद सदस्य हमारे जिलाध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा जी, श्रीमती प्रिया अग्रवाल, श्री अन्य कुमार सिंह, श्री मानवेंद्र सिंह, श्री मणिराज जी, श्री हेमराज मीना, श्री राजपाल सिंह, सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ मुरादाबाद के हमारे फोर्सेस के सभी लोग, छात्र छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं, आज हम सब लोग ये 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों का सौभाग्य है कि ये सर्द मौसम में हम लोग यहाँ चाहे कोई आंधी हो या तूफान, हम खड़े हैं, भारत खड़ा है सीना तान। और ये वो समय होगा जब हमें याद करना चाहिए हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने आज़ादी दिलवाई और साथ ही साथ हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने भारत को एक गणतंत्र के रूप में 1950 में प्रभावी कराया। और आज इतने वर्षों बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत विश्व में एक बहुत शक्तिशाली देश बन के उभरा है। और ख़ास तौर से हम कह सकते हैं जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखा है तो भारत एक नए भारत का निर्माण, परिवर्तन जो कभी कल्पना नहीं की गई थी उसके विपरीत देखते हुए आज भारत की साख विश्व भर में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और जो प्रण है विकसित भारत का 2047 का, उसकी प्रति हम सब लोग एकजुट होके तभी संभव होगा जब प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनका नेतृत्व, उनके साथ देश के आम जन एक एक व्यक्ति ये अपने आप को उनका कर्तव्य समझे कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे। तो मुझे मालूम है ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, मगर सब लोग जरा मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को भारत को विकसित बनाने में हम सब लोग योगदान देंगे। बोलिए देंगे। पब्लिक टीवी
आपकी आवाज़।